हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है शिल्पा का। कहती हैं, लव गुरु जी, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ सबको पता है, मेरे घर वालों को भी, अब बाकी लोगों को भी, हम को भी पता है हमारे प्यार के बारे में। हम 3 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो लड़का भी मुझे बहुत चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगा। मुझे पता चला कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। शादी तय कर दी है, होने वाली है, और ये बात उसने मुझसे नहीं बताई। जब मैंने उससे पूछा कि ये सही है तो बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो घर वालों की मर्ज़ी है और तुम मेरा प्यार हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा वो मुझे धोखा दे रहा है, ना देने की बात कर रहा है, या एक और धोखा देने की तैयारी कर रहा है। क्या करूं मैं, उसकी बात पर विश्वास या अपने दिल दिमाग में चल रही बात पर यकीन। शिल्पा जी, देखिए ज़िंदगी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब कुछ समझते हुए भी कोई जानबूझकर अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाता। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ गई हैं। देखिए, अगर वो लड़का माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर रहा है और उसका कहना ये है कि वो आपसे ही प्यार करता है और करता रहेगा, तो दूसरी लड़की को धोखा देगा या आपको भूलकर उस लड़की से प्यार करेगा तो आपको, आपके साथ धोखा। जो 3 साल से प्यार के रिश्ते में बंधे थे, ऐसे लड़के को तो भूल जाना ही अच्छा है। धोखेबाज लोगों से दूर ही रहिए और एक बीता हुआ कल समझकर भूल जाइए। आपने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया और अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करिए, ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में पहले कोई था ही नहीं। एक नई ज़िंदगी शुरू करिए। वो धोखा तो आपको भी दे रहा है और उस लड़की को भी दे रहा है जिससे वो शादी करने वाला है। आज का दूसरा सवाल है किशन का। कहते हैं, क्या 2 लड़के एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते? मुझे पता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से मेरा भाई भी प्यार करता है। अब मैं ना तो अपने दिल की बात उस लड़की से कह पा रहा हूँ ना अपने भाई से, फिर मैं उस लड़की के सपने क्यों देखता रहता हूँ? मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मेरे दिल में सिर्फ वही है। किशन जी, क्या बात, कैसे प्रेमी हैं आप? बिना लड़की के मन की बात जाने वो किससे प्यार करती है कहानी बना डाली। पहले लड़की के मन की बात जानो, फिर फैसला करो। अगर वो आपसे प्यार करती है तो खुद आपके भाई को जवाब देगी, या वो उनसे प्यार नहीं करती, अगर वो आपके भाई से प्यार करती है तो आपको अपनी भाभी के रूप में स्वीकार करना होगा। अब एक कमान में 2 तलवार तो नहीं रखी जा सकती। सच्चे मन से, साफ मन से जो सही है उसे मानना चाहिए। एक तरफा प्यार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल लव से जुड़ा, रिश्तों से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahiriya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।